दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आया हूँ छत्तीसगढ़ के अमरकंटक क्षेत्र में। यह अमरकंटक का गोरेला क्षेत्र है और दोस्तों यहाँ पर पाए जाते हैं कुछ रुद्राक्ष के पेड़। तो दोस्तों आज मैंने पाए हैं रुद्राक्ष के पेड़ फूलों के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ रुद्राक्ष के पेड़ के बारे में और रुद्राक्ष के पेड़ के जो फल होते हैं उसके द्वारा क्या क्या लाभ होते हैं और उसकी संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि रुद्राक्ष का पेड़ काफ़ी फूलों से लदा हुआ है और यह बरसात का मौसम है। इस मौसम में ही इसमें पुष्प आते हैं और पुष्प आने के बाद करीबन 1-2 महीने बाद इसके फल बेर की तरह इसमें लगने लगते हैं। इसके फलों का आकार बेर की तरह ही होता है और बेर के जैसा बिल्कुल दिखता है। दोस्तों रुद्राक्ष एक पेड़ में कई मुखियों का पाया जाता है। एक पेड़ में एक मुखी, दो मुखी, पाँच मुखी, 10 मुखी, 12 मुखी, 24 मुखी, इस तरह के कई मुखी के रुद्राक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि रुद्राक्ष एक पेड़ में किस किस मुखी के ज़्यादा पाए जाते हैं। तो दोस्तों जब भी रुद्राक्ष का पेड़ होता है तो किसी एक मुखी का विशेष होता है, जैसे कि 3 मुखी का या 5 मुखी का ज़्यादा होता है। तो अधिकतर एक पेड़ में 5 मुखी के या 3 मुखी के रुद्राक्ष काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं और उसमें 1 मुखी के, 10 मुखी के, 12 मुखी के रुद्राक्ष कम पाए जाते हैं, या किसी पेड़ में 10 मुखी के रुद्राक्ष काफ़ी पाए जाते हैं, 12 मुखी के रुद्राक्ष काफ़ी पाए जाते हैं और 1 मुखी के और 2 मुखी के रुद्राक्ष काफ़ी कम पाए जाते हैं। मतलब एक पेड़ में सभी मुखी के रुद्राक्ष पाए जाते हैं लेकिन 1 मुखी का रुद्राक्ष कम पाया जाता है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि इस पेड़ का नाम रुद्राक्ष क्यों पड़ा और मुखी का क्या सिस्टम होता है। तो दोस्तों रुद्राक्ष का, इस पेड़ का नाम हिंदू धर्म से संबंधित रुद्राक्ष रखा गया। रुद्र का मतलब होता है शिवजी, शिवजी का नाम रुद्र कहा जाता है और अक्ष का मतलब होता है अंश। तो दोस्तों इस पेड़ में जो फल होता है उस फल की जो गुठली होती है उसको रुद्राक्ष बोलते हैं और उस रुद्राक्ष में किसी किसी फल में शिवलिंगी का आकार पाया जाता है। तो शिवलिंगी का आकार पाने के कारण से इस फल को शिव से जोड़ा गया और उसका नाम रुद्राक्ष रखा गया। अब हिंदू मान्यता के साथ कई कहानियां हैं दोस्तों। कहीं पर बोलते हैं कि शिव जी के आंसू के द्वारा इस पेड़ की उत्पत्ति हुई, कहीं पर बोलते हैं कि शिव जी के द्वारा यह पेड़ लगाया गया, कई लोग बोलते हैं कि यह समुद्र मंथन में यह पेड़ निकला है। तो दोस्तों अलग अलग कहानियाँ हैं लेकिन जो वैज्ञानिक तथ्य है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पेड़ के कुछ फलों में शिवलिंग का आकार पाया जाता है। तो उस आकार को देखते हुए लोगों ने इसका नाम रुद्राक्ष रखा गया, क्योंकि रुद्र का अक्ष इस पेड़ में पाया गया तो भगवान शिव से इसका नाम जोड़ा गया। दोस्तों बात करते हैं साइंटिफिकली, तो इस पौधे की जो तासीर होती है वो कसैली होती है और खट्टी होती है। दोस्तों जब बात करते हैं इसके औषधीय लाभ की, तो दोस्तों आयुर्वेद में इस रुद्राक्ष के पेड़ का फल, तना और पुष्प खाना कहीं पर नहीं बताया गया है, इसका धारण करना ही औषधि का काम करता है। दोस्तों रुद्राक्ष जो होते हैं कई मान्यताओं के अनुसार इसको धारण किया जाता है। रुद्राक्ष ज्योतिष मान्यता के अनुसार मुखी के आधार पर धारण किया जाता है। दोस्तों अंक ज्योतिष जो होता है, अंक ज्योतिष के आधार पर रुद्राक्ष का मुखी भी उसी से संबंधित करके लोग बाग रुद्राक्ष को पहनाते हैं। जिसका 1 नंबर लकी होता है तो उसको 1 मुखी रुद्राक्ष पहनाते हैं। 2 मुखी जो रुद्राक्ष होता है, जिन लोगों का 2 नंबर लकी होता है उन लोगों को 2 मुखी रुद्राक्ष पहनाया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग मुखी अलग अलग अंक वालों को पहनाए जाते हैं और कुछ इससे संबंधित अफवाहें भी फैलाई जाती हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा के कुछ काफ़ी कुछ बताया जाता है और इसको आज चमत्कार एक फल की तरह बताया गया है। दोस्तों औषधीय रूप में बहुत अच्छा लाभ मिलने के कारण से रुद्राक्ष को काफ़ी बेनिफिशियल बताया गया है। रुद्राक्ष का स्वभाव ब्लड प्रेशर को समान करने वाला, बॉडी की पित्त को खत्म करने वाला, बॉडी की गर्मी को दूर करने वाला, बॉडी की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसके धारण करने से क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि रुद्राक्ष पहनने से काफ़ी धन की संपत्ति होती है, काफ़ी वृद्धि होती है, काफ़ी व्यावसायिक रूप से सफलता मिलती है। तो दोस्तों ऐसा तो कोई भी औषधि नहीं होती है कि जो आदमी को तरक्की बिना कर्म के दिलवा सके। तो इस पेड़ का जो फल होता है रुद्राक्ष, उसको पहनने से मनुष्य को काफ़ी लाभ मिलते हैं। मनुष्य का फैट नहीं बढ़ता है, मनुष्य की बीपी नहीं बढ़ती है, मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मनुष्य का मन बहुत अच्छा रहता है, जिसके कारण से वो अच्छा कर्म कर पाता है, नकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर नहीं बढ़ पाती है, जिसके कारण से वो आगे वृद्धि कर पाता है। तो दोस्तों यही कारण है व्यक्ति को सफलता मिलने का कि रुद्राक्ष पहनने से उसको सफलता मिलने लगती है, क्योंकि उसका मन अच्छा रहता है, काफ़ी एक्टिव रहता है, काफ़ी कर्म को करने के लिए सहायक होता है, नकारात्मक ऊर्जा उससे दूर रहती है। इन कारणों से रुद्राक्ष को काफ़ी बेनिफिशियल माना गया है। दोस्तों बात करें आयुर्वेद की, तो दोस्तों इसका जो स्वाद होता है वो खट्टा और कसैला होता है। तो इसको
आयुर्वेद में खाने के रूप में कहीं पर ज़्यादा नहीं बताया गया है, इसको धारण करने के रूप में ही बताया गया है और अलग अलग मुखी का रुद्राक्ष पहनकर अलग अलग लाभ होता है। लेकिन आयुर्वेद में दोस्तों ऐसा नहीं बताया गया है रुद्राक्ष पहनने से क्या लाभ होता है, यह बताया गया है। लेकिन कई ज्योतिषियों ने, कई धर्म ग्रंथकारों ने इसको मुखी के आधार पर और अंक गणित के आधार पर इसको जोड़ दिया गया, जिससे यह धार्मिक रूप से केवल हिंदू धर्म को ही एक इंडिकेट करने वाला फल बन गया। लेकिन दोस्तों साइंटिफिकली बात करें तो इसको किसी धर्म से संबंध नहीं रखता है, किसी भी धर्म के लोग इसको पहन सकते हैं। रक्तचाप को समान रखने वाला होता है, हड्डियों को मजबूत करने वाला होता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला होता है, मन के जो रोग होते हैं, जो डिप्रेशन के जो रोग होते हैं, मन से संबंधित जो भी रोग होते हैं उनको ठीक करने वाला होता है। तो इसको सभी व्यक्ति सभी धर्मों के लोग यूज़ कर सकते हैं, पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं रुद्राक्ष का पेड़ अभी काफ़ी फूल आए हुए हैं इसमें और काफ़ी फल आने का होता है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बता दूं, जितना इसमें फूल दिख रहा है इतना रुद्राक्ष नहीं लगता है, ये फूल बहुत जल्दी झड़ जाता है और जब इसमें फल लगते हैं तो बंदर और लंगूर इसको खाते हैं दोस्तों, और कुछ ही फल अगर बच जाते हैं तो वही दोस्तों लोगों को प्राप्त हो पाता है, क्योंकि ये बंदर बहुत जो लंगूर होते हैं वो बंदर होते हैं इसको बहुत चाव से खाते हैं, उनको काफ़ी स्वादिष्ट लगता है और इसको नहीं बच पाता है, बहुत एक पेड़ में 2-4-5 ही बच पाते हैं। या कोई केयरिंग करके अगर रुद्राक्ष पेड़ को पाला हुआ है, उसको बढ़ा रहा है, उसकी खेती कर रहा है तो बात अलग है, लेकिन जंगल में जब रुद्राक्ष का पेड़ लगता है तो उसमें रुद्राक्ष के फल नहीं बच पाते हैं, इनको बंदर लंगूर खा जाते हैं पूरे। तो दोस्तों आप देख लीजिए, इस पेड़ का काफ़ी शुभ पेड़ माना जाता है, इस पेड़ के नीचे बैठने मात्र से ही आदमी की पॉजिटिव ऊर्जा उसके अंदर भरने लगती है, टेंशन दूर होने लगती है, उसको बैठने से उसके रक्तचाप में लाभ मिलता है, हाई बीपी वालों को काफ़ी फायदा मिलता है। तो दोस्तों इसका दर्शन कर लीजिए, बहुत ही शुभ पेड़ है और इस पेड़ से संबंधित कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं, इस पेड़ की प्राप्ति करना चाहते हैं तो भी आप जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं कि कहाँ से यह पेड़ आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि अभी ये गवर्नमेंट के संरक्षण में है दोस्तों, तो हर कहीं तो इस पेड़ की प्राप्ति नहीं हो पाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में काफ़ी जगह यह पेड़ बेचा जा रहा है, तो आप इसकी जानकारी ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8982752782। दोस्तों केवल व्हाट्सअप पर चैट ही करें, कॉल ना करें।